नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है और शहरों से लेकर गांव तक अब लॉकडाउन का असर दिख रहा है। वहीं अब तक बिहार में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि भी हो गई है, लेकिन पटना में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुर्जी के गेट नंबर 74 के पास एक मस्जिद में 12 विदेशी नागरिकों की रहने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने देखते ही स्थानीय लोगों की मदद से उन 12 लोगों को डिटेन किया। उसके बाद उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई, जिस पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये नागरिक तेहरान, ईरान, इटली समेत कई और देशों के भी रहने वाले हैं। ऐसे में एक सवाल उस वक्त ये उठ रहा था कि जब बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह दावा किया है कि बिहार में बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है, तो ये विदेशी नागरिक पटना में किस रास्ते से पहुंचे, कैसे ये इस मस्जिद में पहुंचे, कहां पर प्रशासनिक चूक हुई, और अगर यह जानकारी वहां के स्थानीय लोगों ने नहीं दी होती तो क्या बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि बिहार में फिलहाल लॉकडाउन है, लेकिन इस बड़ी खबर में जिस तरीके से मीडिया में इसे चलाया जा रहा है, एग्जैक्टली यह खबर है नहीं। ये लोग इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं, पटना में जमात में आए हुए थे और इनके पास सभी कागजात अवेलेबल हैं। इनके पास वीज़ा है, इनके पास पासपोर्ट है। इन्हें वापस लौटना था लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हैं, इसीलिए ये बिहार में कैद होकर रह गए थे। ये बिहार में हैं। अभी आपको बता दूं कि हालांकि अभी तक पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह खबर पक्की है कि इन सभी लोगों के पास जरूरी कागजात उपलब्ध हैं। ये किसी गलत तरीके से बिहार में नहीं घुसे हैं, ये पटना के मस्जिद में किसी और इरादे से नहीं रह रहे थे, ये धर्म प्रचारक हैं, बिहार आए हुए थे। हालांकि इनके जाने की तारीख भी तय थी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ये फंस गए हैं, जिसके बाद जब स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को इत्तला की तो पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया, इन्हें थाने में बिठाए रखा। और अब जो जानकारी हम तक आई है, उस जानकारी के अनुसार ये सभी लोग दूसरे देशों से ज़रूर आए हुए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये सभी लोग स्वस्थ हैं। इन सभी की जाँच भी नेगेटिव आई है, ये सभी लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 मार्च तक बिहार को लॉकडाउन का आदेश दिया है, ऐसे में अभी इन्हें बिहार में ही रहना होगा। लेकिन इस खबर में सबसे बड़ी खबर वही है जो किसी ने आपको नहीं बताई, वो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि बिहार के पटना के मस्जिद में मिले ये 12 जो विदेशी लोग हैं, इन सभी के पास ज़रूरी कागजात उपलब्ध हैं, ये किसी और इरादे से बिहार में नहीं घुसे हैं और ये लोग पूरी तरीके से फिट हैं। किसी भी तरीके की से घबराने की बात फिलहाल नहीं है, प्रशासन ने सारे कागजात चेक कर लिए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। कोरोना वायरस से पूरी मानव जाति संकट में है। हम सब इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, आवश्यक सावधानियां भी बरती जा रही है, किंतु इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना नितांत आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक के लिए सभी जिला मुख्यालयों, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकायों में के लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णतः बंद किया गया है, परंतु आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों यथा चिकित्सा सेवाओं, खाद्यान्न एवं किराने की प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग एवं एटीएम पोस्ट ऑफिस तथा प्रिंट
एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि सेवाओं एवं इन सेवाओं के लिए उपयोग किए जा रहे वाहनों को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है। बिहार के तमाम लोगों से अपील है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दें। जब भी संकट का समय आया है तो हम सब ने सभी लोगों के सहयोग से उस पर सफलता पाई है। संकट की इस घड़ी में सरकार सभी लोगों के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होंगे। मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप सब लोग एक जो रहने का है घर के अंदर, उस पर ध्यान दें। इधर उधर अनावश्यक आने जाने की जरूरत नहीं है, तो इन सब चीजों से संबंधित सारे मामलों की जानकारी दी जा रही है समाचार पत्रों के माध्यम से भी। तो इन सब चीजों पर ख्याल रखें और हम सब लोग मिलकर इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं और इसमें कामयाब हों।